नमस्कार मित्रों, आचार्य विनोद भरद्वाज लाल किताब का एक बेहतरीन सिद्धांत लेके आया हूँ। आप लोग जानते हैं, आप लोग देखते होंगे कि घर में पूजा पाठ होता है तो मौली बांधी जाती है, धागा जिसे कहा जाता है रक्षा, रक्षाम करोति सा रक्षा। लाल किताब के अनुसार किन किन राशि वालों के लिए कौन कौन सी रक्षा उनके जीवन में रक्षा करती है और क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में डिटेल से लाल किताब के अनुसार जानकारी लेके आया मित्रों। वैसे तो रक्षा मंगल का प्रतीक माना गया है, क्योंकि लाल रंग की मौली बांधी जाती है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वम प्रतिभग्नामि रक्षे माचल माचल, इस मंत्र से पढ़ करके व्रतेन दीक्षमाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा सतमाप्नोति सदया सतमाप्यते, जजमान और पुरोहित दोनों को बांधा जाता है क्योंकि यज्ञ से रक्षा होती रहे। आपकी भी रक्षा इसी रक्षा बांधने से होती है। तो किन किन राशि वाले किन किन रंग के धागों का प्रयोग करें जिससे कि उनके जीवन में हर प्रकार से खुशहाली मिले। मेष राशि वाले व्यक्ति, अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो लाल रंग का धागा मौली के साथ मिश्रित करके बांधने से निश्चित रूप से गुस्सा और चिड़चिड़ापन चला जाता है। इसका मंत्र है ओम श्री भौमाय नमः। इस मंत्र से भौमाय नमः कह करके रक्षा बांधेंगे तो निश्चित रूप से गुस्सा शांत हो जाएगा। राइट हैंड में बांधना है, और अगर जो विवाहिता लड़कियां हैं उनको लेफ्ट हैंड में बांधना है, बहुत सुख मिलेगा। अब आते हैं वृष राशि वालों पे। आप मौली के साथ में सफेद धागा मिला करके बांधेंगे तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा, हर प्रकार से मन खुश रहेगा और खुशहाली जीवन में आएगी। ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जप करके राइट हैंड लेफ्ट हैंड में मेल फीमेल बांधे, देख लीजिएगा निश्चित रूप से वो रक्षा आपके जीवन में रक्षा करेगा। अब आते हैं वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि पे। मिथुन राशि में आप मौली के साथ हरे रंग का धागा आप धारण कर सकते हैं, उसमें मिला करके ऐंठ के एक अच्छा सा धागा बना सकते हैं तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में तो फायदा करेगा ही करेगा, आपके बुद्धि विवेक में चार चांद लगा देगा। ये लाल किताब का सिद्धांत है, आप देख लीजिएगा, आपका दिमाग इतना एक्टिव हो जाएगा कि आप जो कुछ भी सोचेंगे आपके मन मुताबिक होने लगेगा। कर्क राशि वालों के लिए मौली किस प्रकार से होनी चाहिए? आप जो है लाल रंग की मौली और सफेद रंग का एक धागा दोनों मिला करके ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का पाठ करें, या ओम मां लक्ष्मी नमः इस मंत्र का पाठ करके अगर आप मौली बांधते हैं तो निश्चित रूप से आपका मन शांत होगा। आपके मन शांत होने से मन में अस्थिरता अगर है तो वो दूर हो जाएगी। अब आते हैं सिंह राशि वालों पे। गुस्से का अंबार है, गुस्सा बार बार आ जाता है तो मौली के साथ रेशमी रंग का धागा आप लाल रेशमी रंग का धागा मिला के धारण करेंगे तो निश्चित रूप से गुस्सा भी शांत होगी और आप बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि नेतृत्व क्षमता आपके हाथ में आ जाएगी, आपका कार्य बनने लगेगा। अब आते हैं कन्या पे। अगर आपके जीवन में व्यापार है, सुख समृद्धि है, कुछ विघ्न बाधाएं चल रही हैं, व्यापार में बाधाएं चल रही हैं तो हरे रंग के धागे के साथ मौली को मिला करके बांधने से वो बाधा दूर हो जाएगी। लाल किताब का के जो चमत्कार थे, आपका व्यापार चलने लगेगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पे। लाल रंग के धागे में लाल रेशमी रंग का धागा मिक्स करके अगर आप बांधते हैं ओम भौमाय नमः कह करके तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उत्साह पराक्रम में वृद्धि होगी, सारे कार्य आपके होने लगेंगे। अब अपने लोग आगे आते हैं धनु राशि पे। उस मौली में पीले रेशमी रंग का अगर धागा मिला करके धारण करते हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, पढ़ाई लिखाई में वृद्धि होगी, नौकरी आदि में उन्नति प्राप्त होगी निश्चित रूप से। अब आते हैं मकर राशि पे। आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं,
बार बार संशय युक्त हो रहे हैं तो लाल रंग की मौली में काले रंग का धागा मिक्स करके बांध के देख लीजिएगा। भूत प्रेत आदि बाधाओं से अगर आप सशंकित हैं तो ये सब जाते रहेंगे। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का पाठ करके। अब अपने लोग आते हैं कुंभ राशि पे, कुंभ राशि में भी काले रंग का धागा प्रयोग किया जाएगा समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए। आप अगर मीन राशि के जातक हैं, जीवन में आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, मस्तिष्क बहुत अस्त व्यस्त रह रहा है, तो मौली में पीले रंग का धागा मिला करके बांध करके देखें, आपके जीवन में हर प्रकार से उन्नति प्राप्त हो जाएगी। अंधविश्वास नहीं, लाल किताब का चमत्कार है। जो लोग अंधविश्वास समझ रहे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो आस्तिक हैं, जो हमारी भारतीय परंपरा की छाप को समझते हैं, उनके लिए ये मैं लाल किताब का सुंदर सा एक ऐसा तंत्र लेके आया हूँ कि आपके भाग्य को बदलने में समर्थ है। आप लोग इस वीडियो को लाल किताब के माध्यम से आपको समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।